सो हेलो एंड वेलकम टू दिस सेशन ऑफ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है राजेश चमोला, टीचर फिजिक्स आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। एंड इस सेशन में हम लोग बात करते हैं क्लास 11th की फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 11 भौतिकी विज्ञान सब्जेक्ट के ऊपर। आई होप आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए, और आप लोग अपनी सीट्स पर प्रॉपरली बैठ चुके होंगे। जो बच्चे अभी तक बैठे नहीं हैं प्लीज अपनी सीट्स ले लीजिए। जो बैठ चुके हैं अपनी नोटबुक और पेन निकाल करके रेडी हो जाइए आज की क्लास के लिए। लास्ट क्लास में हमने जो जहां पर टॉपिक छोड़ा था, कुछ क्वेश्चंस को हम और अच्छे तरीके से कवर अप करने की आज की क्लास में कोशिश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे। चलिए सो आज की क्लास को करते हैं रेडी। अपना ध्यान रखिएगा स्क्रीन के ऊपर, हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन के ऊपर। सो कितने बच्चों को याद है ये क्वेश्चन, एक बार हाथ खड़ा करेंगे। लास्ट क्लास में हमने किया था ये क्वेश्चन, जो हमारे साथ जुड़े थे लास्ट क्लास में। आज काफी सारे बच्चे नए दिख रहे हैं, जो जुड़े थे हमारे साथ, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हम लोग जो बातें कर रहे थे वो थी कुछ इस प्रकार की। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप्य गति को हम पढ़ रहे थे। इस पर आधारित हमने तीन न्यूमेरिकल्स फाइंड आउट करे थे, हमने डिराइव भी करवाए थे आपसे, समय, काल, ऊंचाई, क्षैतिज प्रास, ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी करे थे एज वेल एज, ठीक है। उसी के अंतर्गत ये एक न्यूमेरिकल था। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास को, कुछ ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन से ही करेंगे स्टार्टिंग, फिर जो जो बातें आपको समझनी होगी, जो नए बच्चे होंगे, है ना, आप लोगों को धीरे धीरे सारी चीजें समझ में आती रहेंगी। चलिए सो स्टार्ट करते हैं क्लास को, और टॉपिक लिखिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग समझना शुरू करेंगे आज की बातों को। चलिए एक गेंद को पचास मीटर प्रति सेकंड के वेग से 37 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित किया जाता है। प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है। हमें क्या ज्ञात करनी है, प्रक्षेपण के 2 सेकंड बाद, प्रक्षेपण के 2 सेकंड बाद हमको ज्ञात करनी कुछ चीजें। सबसे पहला वेग सदिश, दूसरा चाल, तीसरा क्षैतिज के साथ कोण, चौथा विस्थापन सदिश, पांचवा विस्थापन, एंड सिक्स्थ, इतनी चीजें। चलो सारी चीजें हम लोग एक ही क्वेश्चन में कवर अप करने की कोशिश करते हैं, एक एक करके सारी चीजों को समझते जाते हैं। ये जो क्वेश्चन है यही क्वेश्चन है, सिमिलर, ठीक है, यही क्वेश्चन मैंने आपको लिखवाया है, बस इसमें 2 सेकंड बाद की बात नहीं करी है, ठीक है, इसमें 2 सेकंड बाद की बात नहीं की गई है। समझ रहे हैं बात को, सेम क्वेश्चन है, 50 मीटर प्रति सेकंड 37 डिग्री का कोण, समझ में आया है बात। तो यहां पर जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, यहां पर जो फाइंड आउट किया है हमने जो चीज, वो है ये 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से तो वस्तु को फेंका गया, प्रक्षेपित किया गया, है ना। तो मैंने देखा था, मैंने क्या देखा था कि अगर वेग होता है तो वेग एक सदिश राशि है, इसको मैं 2 लंब घटकों में वियोजित कर सकता हूं। अगर ये u वेग है, ये u वेग है, ये वाला सदिश जो है किसका है,
यू वेग को निरूपित करता है, तो इसके दो लंब घटक एक ये और एक ये रहेगा, है ना, परपेंडिकुलर होने चाहिए एक दूसरे के। इसे हम कहते हैं कॉस का घटक और इसे हम कहते हैं साइन का घटक, ठीक है। अगर मुझे यू की वैल्यू पता है और ये थीटा एंगल पता है तो मैं यू कॉस थीटा और यू साइन थीटा निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो यू कॉस थीटा यू साइन थीटा मैंने कैसे निकाला है, जरा एक बार देख लेते हैं। 37 डिग्री है, अब ये एक स्पेशल ट्रायंगल होता है 37 डिग्री का, मैंने आपको बता रखा है। 37 डिग्री का जो एंगल होता है, 37 डिग्री वाला जो त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है बेसिकली, ठीक है। इसमें अगर बात करेंगे तो लंब होता है इसमें 3, आधार होता है 4 और कर्ण होता है 5, ठीक है। तो यहाँ से कॉस थीटा बताओ भाई, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, है ना। तो आधार कितने, 4/5, और साइन थीटा अगर बोलूं तो कितना होगा, 3/5, लंब बटे कर्ण। तो u sin थीटा u cos थीटा हम इजीली निकाल सकते हैं, ये हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, अभी कुछ बच्चे नए हैं उनके लिए बता रहा हूँ। u cos थीटा कितना आएगा भाई, u कितना है, 50 मीटर प्रति सेकंड का वेग है हमको दे रखा है, 50 मीटर प्रति सेकंड के वेग से हमने इसको प्रक्षेपित करा है। और cos थीटा कितना है, 4/5, तो मैं इसे कैलकुलेट कर सकता हूँ, 5×10^50 मतलब कि 10^4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब कि इस दिशा में जो गेंद का वेग होगा इस डायरेक्शन में वो कितना होगा, 40 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और u sin थीटा अगर मैं निकालूं, u sin थीटा अगर मैं निकालूं तो u sin थीटा आएगा 50 × 3/5, 5 से कट गया 10 बार, 30 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि इस दिशा में जो वेग होगा इस वाले डायरेक्शन में वो होगा 30 मीटर पर सेकेंड। इतनी बात हमारी हो चुकी थी। अब मैं इस वेग को जो है, इस वेग को मैं इसके x और y कंपोनेंट्स के रूप में लिख सकता हूं, मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 40i कैप + 30j कैप। यहां तक बात जो है हम कर चुके हैं। ये है इसका वेग सदिश, ये क्या है, इसका वेग सदिश, वेलोसिटी वेक्टर। समझ में आ गया, ये सारी बातें हम लोग कर चुके थे, देखो ये लिख चुके थे हम, ठीक है। और अब हम इससे आगे की बात करने वाले हैं, यहां पर जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि प्रक्षेपण के 2 सेकंड बाद की चीजें हमको फाइंड आउट करनी है। तो चलिए एक बार हम डिसाइड करते हैं कि प्रक्षेपण के 2 सेकंड बाद होना क्या चाहिए। सपोज ये रही हमारी गेंद, इसको हमने ऐसे प्रक्षेपित करा, ठीक है। अगर क्षैतिज के साथ एंगल देखूं, इसका एंगल देखा जाए अगर किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ये रही हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। इसके साथ अगर इसका एंगल देखा जाए तो ये हमको दिया गया है 37 डिग्री। क्या बोला गया, 37 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित करा, है ना, 37 डिग्री। तो भाई ये गेंद को जब उछाला जाएगा तो ऊपर जाएगी हवा में, तो कुछ 1 सेकंड सपोज यहां पहुंची, 2 सेकंड में सपोज यहां पहुंची, तो ये बिंदु है, सपोज 2 सेकंड में उसने इतना रास्ता तय करा है। हमको सिर्फ 2 सेकंड की बात करनी है कि 2 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के जस्ट बाद, ठीक है। तो 2 सेकंड के, 2 सेकंड का निकाल लीजिए आप, 2 सेकंड पर हम निकाल लेते हैं, तो 2 सेकंड के बाद की बात एक ही है, ठीक है। बेसिकली हमको यहां पर, अब जो यहां पर जो गेंद का वेग है वो है ये, ठीक है, यहां पर जो गेंद का वेग है वो रहा ये u, ठीक है। इसे भी मैं इसके लंब घटकों में तोड़ सकता हूं, इसे भी मैं इसके लंब घटकों में तोड़ सकता हूं, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। ये रहा इसका, एक मिनट में इसका रास्ता थोड़ा सा और, और ये रहा वेग, ठीक है। जो बीच वाली लाइन है ये वेग की लाइन है, लेट मी कलर इट विद समथिंग एल्स, ये वाली लाइन, ठीक है। और जो आजू बाजू वाली जो लाइन है वो है इसका लंब घटक और इसका, इसका लंब घटक और इसका क्षैतिज घटक, थोड़ा मैं बड़ा बनाने की कोशिश कर रहा हूं डायग्राम को ताकि क्लियर दिख पाए चीजें। सपोज 2 सेकंड में यहां तक पहुंची है वस्तु, ठीक है, तो यहां से हम लोग थोड़ा पीछे रखते हैं। सपोज 2 सेकंड में वस्तु यहां तक पहुंची है, ठीक, तो यहां पर इसके 2 घटक हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से, ये हो गया लंब, हो गए दोनों एक दूसरे के, और जो ओरिजिनल हमारी जो वेलोसिटी है ना वो इस डायरेक्शन में है, ये रही यू। अब आया समझ में, जो हमारा जो वेग है वो ये है, उसकी दिशा ये रही, ठीक है। और ये हो जाएगा इसका कॉस घटक, ठीक है, और ये हो जाएगा इसका साइन घटक। समझ में आया, वेग को मैं किसी भी पॉइंट पर इन 2 भागों में तोड़ सकता हूं, ठीक है ना। अब हमको सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है,
सबसे पहला क्वेश्चन, अब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है वेग सदिश, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है वेग सदिश यानी कि वेलोसिटी वेक्टर। और वेलोसिटी वेक्टर में आप किस प्रकार से लिखते हैं, वेग को आप लिखते हैं आई कैप और जे कैप लिखते हैं, पर यहाँ पर इनके साथ क्या लिखते हैं, इसके साथ एक्स दिशा में घटक और इसके साथ वाई दिशा में घटक लिखते हैं। तो ये वी एक्स क्या रहेगा, ये वी वाई क्या रहेगा, ये वी एक्स रहेगा, ये यू एक्स, ये वाला कॉस थीटा और ये यू साइन थीटा। चलिए मैं इसको यू के फॉर्म में लिख लेता हूँ, यहाँ पर इसको v के फॉर्म में लिख लेता हूँ। v है सपोज, यहाँ पर वेग जो है कितना है, v है, तो ये हो गया v sin थीटा v cos थीटा। ठीक है, अब हमको ये v cos थीटा और v sin थीटा सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी जाकर के हमको वेग सदिश मिल पाएगा। ये बात हमें समझ में आ गई है, यहाँ v x क्या है, v x हमारा v cos थीटा और v y क्या है, v y है हमारा v sin थीटा। चलिए इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। याद रखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए आपको गति की समीकरण, पिछली क्लास में बताया गया था, गति की समीकरण का आपको काफी बार यूज करना पड़ेगा। ठीक है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरी इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ठीक है, चलिए देखते हैं कौन सी समीकरण लगेगी। उसके लिए हम क्या देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं पहले ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए वन बाय वन चेक करते हैं, वन बाय वन चीजों को चेक करते हैं। यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से ऊपर जाने की, सिर्फ ऊपर वाले डायरेक्शन की, कौन सी डायरेक्शन की, वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन को क्या बोलते हैं हम, वाई डायरेक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, वाई डायरेक्शन की बात करूं, सिर्फ वाई डायरेक्शन की, देखो एक डायरेक्शन हमको लेनी पड़ेगी, डेरिवेशन करते हुए भी हमने ये चीज देखी थी। अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं बच्चों, तो यहां पर वाई डायरेक्शन में जो वेग था वो कितना था, 30 मीटर पर सेकंड था या नहीं था। तो जो यू वाई था, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट, ये तो प्रारंभिक, जो प्रारंभिक बिंदु था वो तो यही था, और प्रारंभिक बिंदु पर जो वेग होता है वो, उसे हम क्या कहते हैं भाई, उसे प्रारंभिक वेग कहते हैं। तो वाई दिशा में हमको लेना है, तो यू वाई कितना है भाई, यू वाई हमारा 30 मीटर पर सेकंड, यू वाई कितना है, यू वाई हमारा 30 मीटर पर सेकंड। ठीक, इसके बाद हमें समय कितना दे रखा है, 2 सेकंड का, तो 2 सेकंड में ये यहां से उकर के यहां पहुंच जाता है। सपोज इसका अंतिम बिंदु पर जो वेग है, सपोज इसका अंतिम बिंदु पर जो वेग है वी वाई, वो हमें फाइंड आउट करना है, अंतिम बिंदु पर वेग ही तो फाइंड आउट करना है। और हाँ, त्वरण अगर आपसे पूछा जाए तो त्वरण कितना होगा, माइनस जी, क्योंकि आप जानते हैं हर एक बिंदु पर, इस ऑब्जेक्ट पर, इस गेंद पर नीचे की दिशा में जो है गुरुत्वीय त्वरण जो है काम कर रहा है ना। तो नीचे की दिशा को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, माइनस से, और एक ही जगह क्या रखेंगे, जी, बस सिंपली इतना काम करेंगे। और कौन सी समीकरण लगाएंगे भाई, वी यू ए टी, मतलब कि पहली समीकरण हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। तो पहली समीकरण वी बराबर यू प्लस ए टी से हम ये देखते हैं, वी का मान क्या रखेंगे भाई, वी वाई, यू का मान क्या रखेंगे, यू वाई। ठीक है, ए का मान क्या रखेंगे, माइनस जी, और टी का मान क्या रखेंगे, 2। तो हमारे पास ये समीकरण बन गई है, वी बराबर यू वाई माइनस जी इंटू 2। इस तरीके से क्वेश्चन करना है बच्चों, इस तरीके से आपको प्रैक्टिस ये करनी है। यू वाई कितना है, 30, माइनस जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 रख लो। ठीक है, 10 गुणा दो तो कितना आ जाएगा, 30 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। मतलब कि, मतलब क्या हुआ, यहां पर इस बिंदु पर, किस बिंदु पर, इस बिंदु पर जो इसका वाई वाला घटक है, वाई वाला घटक है, ये वाला घटक, ये कितना है, 10 मीटर पर सेकंड है। आई बात समझ में। और अगर इसका कॉस वाला घटक ना, कॉस वाले घटक की अगर बात करूं, तो कॉस वाला घटक भाई यहां पर कितना था, यहां पर था 40 मीटर पर सेकंड, यहां पर कितना था भाई, 40 मीटर प्रति सेकंड। तो ये यहां पर भी जो है 40 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। मजे की बात यह है कि ये हर बिंदु पर जो है 40 मीटर प्रति सेकंड रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, यहां पर भी 40 मीटर प्रति सेकंड रहेगा। ठीक है, जो ये वाला वेग होता है ना, वाई डायरेक्शन वाला वेग, इसकी वैल्यू चेंज होती है, जो एक्स अक्ष, एक्स डायरेक्शन वाला जो वेग है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, 40 मीटर प्रति सेकंड रहती है। अब हमारा काम हो गया, हमारा काम आसान हो गया, इसको नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, चलो अब यहां पर देखो क्या होगा, हमको क्या फाइंड आउट करना था, वी एक्स और वी वाई, वो तो हमने कर लिया। वी एक्स क्या था, वी कॉस थीटा, वी वाई क्या था, वी साइन थीटा। तो मैं वेग सदिश को लिख सकता हूं सिंपली, अतः वेग सदिश क्या होगा, वी इज इक्वल टू, यहां पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कितना है, 40 आई कैप हो जाएगा, और वर्टिकल कंपोनेंट है 10, तो 10 जे कैप हो जाएगा। तो इस बिंदु पर जो वेग सदिश है वो कितना निकल के आया हमारा, वो निकल के आया 40 आई कैप प्लस 10 जे कैप। तो ये पहले वाले पार्ट का आंसर हुआ, ये हुआ हमारे पहले वाले पार्ट का आंसर। ठीक है, वेग सदिश हमने फाइंड आउट करा। नेक्स्ट हमसे बोला है चाल, तो चाल आप जानते हैं, चाल हमें ये पता है कि
चाल क्या होता है भाई, चाल जो होता है वो वेग ही होता है, बस चाल में दिशा नहीं होता। तो वेग का जो परिमाण होगा वही चाल होगा, अगर उसमें दिशा भी जोड़ दी तो वो वेग बन जाएगा। मतलब जो आपने अभी वेग निकाला है ना, इसका परिमाण निकाल लो, इसका मैग्नीट्यूड। क्या समझ में आया? मतलब जो वेग सदिश आया है सेकंड पार्ट, चाल, इसका परिमाण निकालो। और इसका परिमाण कैसे निकालते हैं? √40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं, है ना। तो 40 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर सॉल्व करके कितना आएगा? 40 का स्क्वायर आएगा 1600, और 100 तो 1700 आ जाएगा, तो 10 √17 आ जाएगा, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड। ये रहा सेकंड का आंसर, चाल भी निकल गई हमारी, समझ में आया। अब नेक्स्ट हमसे पूछा जा रहा है क्षैतिज के साथ कोण। तो क्षैतिज के साथ कोण कौन सा पूछा जा रहा है भाई? हमें पूछा जा रहा है ये वाला, इस बिंदु पर, ठीक है, 2 सेकंड बाद की बात हो रही है सारी। यहां पर जो थीटा है वो पूछा जा रहा है, यहां पर तो हमको पता है 37 डिग्री से फेंका था, लेकिन ये ऊपर जाते हुए जो है चेंज होता जाएगा, तो यहां पर हमको थीटा निकालना है इस बिंदु पर, यहां पर। तो यहां पर थीटा कैसे निकालेंगे, क्षैतिज के साथ बनाया हुआ कोण कैसे निकालेंगे, चलिए इसको देखते हैं। चलिए, तो क्षैतिज के साथ बनाया हुआ कोण निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे भाई? एंगल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो भाई, यहाँ पर देखो हमारे पास ये वाली साइड जो है, ये जो आधार है 40 मीटर प्रति सेकंड है, और लंब जो है 10 मीटर प्रति सेकंड। तो आप जानते हैं, आप यहाँ पर सिंपली जो है टेन थीटा अप्लाई कर सकते हैं। टेन थीटा बराबर क्या होता है भाई? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, सॉरी, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 10/40 आ जाएगा, है ना। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू 1/4, है ना। और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स, थीटा विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स 1/4। तो ये आया है हमारा एंगल, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/4। क्षैतिज के साथ बनाया गया कोण, एग्जाम में अगर आपको वैल्यू दी होगी तो बात की बात है, बस हमारा आंसर तो आ गया, इतना ही सॉल्व हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमसे पूछा है विस्थापन सदिश और विस्थापन। तो विस्थापन सदिश और विस्थापन को निकालने के लिए एक और इसकी स्लाइड लेते हैं, चलिए। तो विस्थापन सदिश किस प्रकार से निकालेंगे भाई? विस्थापन सदिश निकालना है हमको अब। तो विस्थापन सदिश निकालने के लिए सेम काम हम करेंगे, विस्थापन दोनों अक्षों पर निकालेंगे। फोर्थ पॉइंट हम कर रहे हैं, विस्थापन सदिश को हम निकाल रहे हैं। देखो हमको क्या देखना है, लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट, ठीक है। देखिए, विस्थापन सदिश को निकालने के लिए हमको क्या देखना है, यहां पर तक का विस्थापन। तो यहां से क्या करेंगे, डॉट 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 करके एक लाइन खींची जाएगी नीचे, ठीक है, यहां पर इस पॉइंट पर। तो ये तो हो गया हमारा एक्स दिशा में विस्थापन, ये तो हो गया हमारा एक्स दिशा में विस्थापन, ठीक है। और यहां पर हम लोग y दिशा में भी विस्थापन निकालेंगे, ये dy। तो यहां से यहां तक जो हो गया x दिशा में विस्थापन, और यहां से यहां तक हो गया y दिशा में विस्थापन। पहले हमको dx और dy निकालना है, पहले हमको क्या करना है, dx और dy निकालना है। चलिए निकालते हैं, x और y दिशा में विस्थापन कैसे निकालेंगे। देखो यहां पर जो वेग था वो कितना था भाई, यहां पर जो वेग था अगर इस दिशा में मैं लूं, ठीक है, dx के लिए मैं बोल रहा हूं, यहां पर जो वेग था, अब इसको दो तरीके से हम करेंगे, ux, x दिशा में जो वेग था, इनिशियल वेग याद करो कितना था, याद कीजिए जरा, 40 मीटर पर सेकंड था, कितना था, 40 मीटर पर सेकंड। और हमने बोला था ये जो है हर जगह सेम रहता है, ये हर जगह क्या रहता है, सेम रहता है। तो ux इज 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहां पर हमने क्या बोला था, यहां पर जो त्वरण होगा वो तो जीरो होगा, है ना, क्योंकि सामने के डायरेक्शन में जा रहा है ऑब्जेक्ट। कैसी डायरेक्शन जा रहा है, सामने, है ना। अगर ये ऊपर जा रहा होता तो ऊपर से नीचे की तरफ हम माइनस जी ले लेते, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ए एक्स इज जीरो, इस डायरेक्शन में जो त्वरण है वो जीरो है, शून्य है, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करें समय तो हमें दे रखा है 2 सेकंड पर, ठीक। और क्या दे रखा है हमें, और हमें कुछ भी नहीं दे रखा है, बस इतनी चीजें दे रखी है हमें, dx निकालना, मतलब जो विस्थापन है x अक्ष पर वो dx है, और dx हमको निकालना है। कौन सी समीकरण लगाएंगे, ये वाली समीकरण लगाएंगे भाई, है ना, एस यू ए टी, ठीक है। तो इसके आधार पर हमको सेकंड समीकरण लगानी है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो वैल्यू आ रही है वो बन रही है डी एक्स इज इक्वल टू 40 × 2 + ½ × 0 × 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो डी एक्स इज इक्वल टू 40 × 2 = 80, और ये वाला तो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो के साथ गुणा हो रही है, यानी कि 80 मीटर।
यानी कि इस दिशा में जो विस्थापन आया गेंद में वो 80 मीटर का आया। अब ऊपर की दिशा में देखते हैं तो सेम काम हम करेंगे dy के लिए, सेम काम हम करेंगे dy के लिए भाई। uy कितना था स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग में हमारे पास जो वेग था y दिशा में वो था 30 मीटर पर सेकंड का, तो uy कितना आ जाएगा 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और जो ax होगा यहां पर क्या लेंगे भाई, यहां पर लेंगे माइनस जी, क्योंकि ऊपर जाते हुए नीचे की तरफ में क्या लगता है, गुरुत्वीय त्वरण लगता है, तो यहां पर क्या लेंगे माइनस जी, ठीक है। और इसके अलावा जी की वैल्यू रख लो यहाँ पर सीधा सीधा माइनस 10 ले लो, ठीक है। जनरली अगर आपको क्वेश्चन में ना बोला गया हो कि कितना लेना है तो आप 10 मीटर पर सेकंड लेंगे या फिर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे या फिर आपको बताया रहेगा क्वेश्चन में, तो वहां देख लेना। अभी हम अपना काम आसान बनाने के लिए 10 रख रहे हैं वैल्यू, ठीक है। और टी की बात करें तो टी तो 2 सेकंड है ही, और एस हमको क्या निकालना है यहाँ पर, वाई दिशा में निकालना है, तो डी वाई कह लेते हैं हम इसे। चलो सेम काम करेंगे, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डी वाई इज इक्वल टू 30 इंटू 2 प्लस हाफ माइनस 10 ए, और t कितना है भाई 2 का स्क्वायर, ठीक है। डी वाई इज इक्वल टू देखो 30 दूनी 60 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 टाइम्स 40 अपॉन 2, 2 से 40 कट जाएगा 20 टाइम्स, 60 में से 20 गए कितना बचा भाई, 60 में से 20 गए बचा 40 मीटर। यानी कि ये वस्तु जो है, ये जो गेंद है, ये 2 सेकंड में 80 मीटर ऐसे आगे की तरफ दिखेगी हमें और ऐसे 40 मीटर ऊपर की तरफ दिखेगी, तो ये कहीं यहाँ बीच में दिखेगी, ये कहीं यहाँ बीच में दिखेगी, ऐसे जमीन से 80 मीटर दूर और ऊंचाई उसकी 40 मीटर रहेगी, समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब इसका हमको क्या लिखना है, विस्थापन सदिश, अभी तक हम विस्थापन सदिश नहीं लिख पाए, तो विस्थापन सदिश लिखेंगे यहाँ पर, अतः विस्थापन सदिश डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमारे पास होगा dx i कैप प्लस dy j कैप। कोई भी आपको सदिश लिखना हो ना x अक्ष और y अक्ष पर, उसका आप मैग्नीट्यूड देख लीजिए, तो x अक्ष पर इसका कितना है भाई 80, हाँ 80 i कैप प्लस y अक्ष पर कितना है 40 j कैप। आई होप ये समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। लास्ट क्लास में सेम चीजें डिस्कस करी थी, इसीलिए आज थोड़ा सा मैंने आपको जल्दी जल्दी ये बातें बताने की कोशिश करी है। 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन हमारे हो गए, विस्थापन सदिश हो गया। अब विस्थापन निकालना है, तो विस्थापन क्या है भाई, इसका परिमाण होगा। विस्थापन कैसे निकालेंगे, विस्थापन क्या होगा, विस्थापन सदिश का परिमाण ही तो होगा, है ना। तो विस्थापन कैसे निकाल लेंगे, अंडर रूट 80 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, इसे आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी आएगी वैल्यू मीटर में ये आपका आंसर रहेगा। क्या आपको ये सभी पार्ट समझ में आए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, वेग सदिश क्या होगा, चाल क्या होगी, क्षैतिज के साथ कोण क्या होगा, विस्थापन सदिश क्या होगा, विस्थापन क्या होगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो बातें आपको बताई गई हैं वो अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, ठीक है, वो आपने नोट डाउन कर ली होंगी, ठीक। अब हम लोग जो है और क्वेश्चन भी करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे करवा लिए हैं, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि और इंटरेस्टिंग है, नोट डाउन कर लिया आप सभी ने ये, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपली एक बात कही जा रही है, यदि किसी प्रक्षेप्य गति के लिए ठीक है, इसे हम कहते हैं ग्राउंड टू ग्राउंड मतलब कि जमीन से जमीन, मतलब कि क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि वस्तु आपने यहां जमीन से छोड़ी और वापस वो जमीन पर आकर गिरी, ये क्या है, ये जमीन है हमारी, इस प्रकार से, ठीक है। तो जमीन से छोड़ी, जमीन पर आई, अगर ऐसी कोई गति हो रही है तो उसके लिए हमें दिया हुआ है अधिकतम ऊंचाई व क्षैतिज परास समान है प्रक्षेपण कोण ज्ञात करें। अगर कुछ ऐसा है कि यहां पर हमें देखने को मिल रहा है, रेंज क्या होती है भाई, यहां से यहां तक की ये वाली जो दूरी होगी ये रेंज होती है,
अधिकतम ऊंचाई क्या होती है, मैक्सिमम कहां तक ये वस्तु पहुंच पाई, ये मैक्सिमम ऊंचाई अधिकतम ऊंचाई होती है। तो सिंपली हमें जो बात कही गई है वो ये दिया गया है कि h बराबर r, h क्या है भाई अधिकतम ऊंचाई और r क्या है क्षैतिज प्रास। अब चलते हैं पीछे, इस तरीके के क्वेश्चन से डरना नहीं, ठीक है, बस आपको बातें याद रखनी है। एच की जो एच का जो फॉर्मूला है वो क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आर का जो फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी। दोनों फॉर्मूला पुट कर दीजिए फिर देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता है ना। तो चलिए दोनों फॉर्मूला रख लेते हैं। H का फॉर्मूला क्या बताया था, H का फॉर्मूला बताया था यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है, और R का फॉर्मूला बताया था यू स्क्वायर साइन 2θ अपॉन जी, ठीक है। दोनों वैल्यूज रखेंगे, देखो जी से जी कट गया, यू स्क्वायर कट गया, ठीक है, इधर आया साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 उधर चला जाएगा, 2 साइन 2 थीटा हो जाएगा। अब साइन 2 थीटा आप जानते हैं क्या होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, भाई फॉर्मूला होता है ना साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन 2 थीटा की जगह पे मैंने क्या लिखा भाई, मैंने लिखा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक साइन से एक साइन और कट रहा है, ये देखो, तो हमारे पास क्या बचा भाई, कॉस थीटा यहाँ साइन थीटा के अपॉन में आ जाएगा और इधर क्या बचेगा 4, दैट मीन्स कि टेन थीटा इज इक्वल टू 4, दैट मीन्स कि थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स 4, दैट मीन्स कि टेन थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स, ये आया हमारा आंसर। ये है हमारा प्रक्षेपण का कोण, मतलब कि अगर मैं इतने एंगल पर किसी वस्तु को प्रक्षेपित करूंगा तो उसकी जो अधिकतम ऊंचाई होगी और उसका जो क्षैतिज प्रास निकलेगा वो समान निकलेगा, मतलब जितना आगे जाएगी वस्तु उतना ही ऊंचा भी जाएगी, अधिकतम उतनी ऊंचाई तक भी जाएगी। क्या ये बात सबकी समझ में आ गई है, आई होप यहां तक की बातें जो है सबकी समझ में आ गई होंगी, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको जो बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, नोट डाउन करा होगा आपने, घर से क्वेश्चंस को करना, आपकी बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। अदरवाइज जो क्वेश्चंस आपके पास हैं उनमें ही आप वैल्यू चेंज करके क्वेश्चंस खुद से भी कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी आप कोशिश करेंगे, उतना चीज़ों को समझेंगे और उतना आपको अच्छी कमांड होगी टॉपिक के ऊपर, न्यूमेरिकल्स के ऊपर। आई होप आज की क्लास में जो बातें बताई गई समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी, घर से एक बार इनको रिवाइज जरूर कीजिएगा। अगली क्लास में मिलते हैं एक नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।